हुए हर एक दिन के साथ में काम की स्पीड और बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी ढेर सारा काम बाकी है और दिन बचे हैं बहुत ही कम। तो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ दो मेकओवर। एक तो इस रूम का मेकओवर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसकी हालत बहुत खराब है, और दूसरा इस लिविंग एरिया का मेकओवर। तो इस लिविंग एरिया में मैंने काफी काम तो करा लिया था जब मैंने व्हाइट वॉश किया था, तो मतलब साफ सफाई डीप क्लीनिंग अच्छे से हो चुकी है, बस यहाँ तो मुझे डेकोर ही करना है। इस रूम में लगेगा टाइम जिसमें थोड़ी सी डीप क्लीनिंग भी है, लेकिन मैं आपके साथ में डीप क्लीनिंग ज्यादा शेयर नहीं करूंगी क्योंकि आप डीप क्लीनिंग देख देख करके बोर हो जाओगे। छोटा सा प्रोसेस शेयर करूंगी एक या दो मिनट का, उसके बाद में करेंगे इसको डेकोरेट। और इस रूम को जो मैं करूंगी बिल्कुल नए थीम के अकॉर्डिंग करूंगी। इस रूम में मैं यूज करने वाली हूँ सारा चीज, मतलब पूरा इस रूम को करने वाली हूँ पिंक तरीके से मेकओवर, इस वाले को मेरे पीछे जो है, क्योंकि इसमें मैंने कभी भी पिंक कलर का यूज नहीं किया। तो मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि पिंक रूम किस तरीके का लगेगा। मुझे पिंक वैसे इतना पसंद नहीं है, लेकिन दूसरे रूम में पीच कलर का जब मैंने डेकोर किया और वो काफी अच्छा लग करके आया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर पिंक बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ की थीम जो रहेगी वो आगे बताऊंगी। तो पहले कौन सा करूँ आप बताओ मुझे, ये वाला करूँ कि पीछे वाला करूँ? लंच प्रिपेयर आधा हो गया है, आधा रह गया है। सुबह से मैं लगी हुई थी काफी सारे घर के कामों में, क्लीनिंग के कामों में, तो ऑलमोस्ट क्लीनिंग मेरी खत्म हो चुकी है। बस यहाँ पर थोड़े से क्लीनिंग बाकी है, वो करती हूँ, उसके बाद में करती हूँ पहले इसी रूम को तैयार, क्योंकि फिर अन्वेषा भी आ जाएगी स्कूल से, तो एटलीस्ट रूम प्रिपेयर होगा तो वो रेस्ट कर सकेगी यहाँ पर। तो पहले चलो इसी रूम को करते हैं तैयार। हाँ, एक चीज और मुझे आपको बतानी थी, कल का, परसों का, तरसों का और जितने वीडियो अब आएंगे ना, उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग से वीडियो आने वाले हैं। एक तो धनतेरस का हॉल भी शेयर करूंगी, बहुत बढ़िया वाला, मस्त वाली शॉपिंग की है मैंने इस बार घर किचन के लिए, सारी किचन के लिए ही की है, क्योंकि किचन में मुझे जब लगता है काफी सारी चीजें लेनी है, हर बार उनको टालती जाती हूँ, फाइनली थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ, लेकिन शॉपिंग हो गई है मेरी। और धनतेरस वाले दिन एक आध चीज छोटी मोटी ले लूंगी। अभी करते हैं इस वाले रूम की क्लीनिंग। सबसे पहले तो मैं आपको अपना रूम दिखा देती हूँ। ये काफी छोटा सा रूम है और मैं इसमें ज्यादा डेकोरेशन इस हिसाब से करूंगी कि ये ओवर भी ना लगे और कम भी ना लगे, क्योंकि आप छोटे रूम में अगर बहुत ज़्यादा डेकोरेशन कर देते हैं तो वो बहुत भारी भारी सा लगने लगता है, प्रैक्टिकल नहीं होता, मतलब उसको बाद में यूज़ नहीं कर सकते आप अच्छे से, आराम से, अपनी कन्वीनियंट के अनुसार। तो मैं इसको इस तरीके से करूंगी। और वैसे भी इस वाले रूम में तो ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, मैं आपको लिविंग एरिया का मेकओवर भी दिखाऊंगी इसी वीडियो में, तो उसके लिए भी आप बने रहिएगा लास्ट तक। तो इसमें भी काफ़ी विजिबल आपको चेंजेस लगेंगे, क्योंकि ये काफ़ी छोटा सा रूम है। इसको मैं किस तरीके से डेकोरेट करती हूँ ये दिखाऊंगी आपको। तो सबसे पहला स्टेप तो रहता है जितने भी कर्टन हैं उनको वॉश करने के लिए देना। तो कर्टन को मैंने निकाल करके रिंग बांध करके उसके वॉश करने के लिए दे दिया, और जितने भी खिड़की दरवाजे थे उनको अच्छे से झाड़ लिया है, दीवारों को कपड़े से साफ कर लिया है, जितने भी ग्लास थे उनको ग्लास क्लीनर से मैंने क्लीन कर दिया है, और जो आयरन रॉड लगी हुई है दरवाजे में उसमें मैंने कपड़े में थोड़ा सा लिया है सरसों का तेल और थोड़ा सा लिया है मैंने पानी ड्रॉप, और उसको दोनों को मिक्स करके और फिर उससे जितनी भी आयरन रॉड है उनको मैंने क्लीन किया है। दरवाजे के ऊपर भी मैं सेम सॉल्यूशन से क्लीनिंग करती हूं, तो ये अच्छे से चमक जाते हैं, इनकी पॉलिश बिल्कुल नई जैसी हो जाती है। तो पूरा अच्छे से क्लीन करने के बाद में पारी थी, मैंने साफ सफाई कर दी थी, झाड़ू वगैरह लगा दी थी। अभी क्या था, अभी मुझे सबसे पहले चेंज करने थे कर्टन, तो मैंने कर्टन जो दूसरे वाले रूम में लगे थे ना कर्टन, ये वाले कर्टन ही मैंने यहाँ पर लगाए हैं। ये मैंने लास्ट ईयर लिए थे, काफ़ी अच्छे कर्टन निकले हैं, और इसको मैं अभी फिर से यूज़ करना चाहती थी, लेकिन नया कोई खर्चा नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से मैंने ये वाले कर्टन ही यूज़ किए। इसके बाद में बारी थी बेडशीट चेंज करने की। ये बेडशीट तो मैंने आप सबके साथ में एक हॉल वीडियो में शेयर किया था, वही मैंने यहाँ पर स्प्रेड की है, और सोफे के ऊपर एक ये साइकिल वाला कुशन लगाया है। ये है सोफा थ्रो जो कि बहुत पुराना है, और ये सारे जेल वैक्स कैंडल हैं जो मैंने बनाए थे। ढेर सारी कैंडल बाय द वे मैं आप सबके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, वैक्स की कैंडल, सोए वैक्स की कैंडल, जेल वैक्स कैंडल, ये लगभग 15-20 दिन पहले मैंने आप सबके साथ में शेयर की थी। आई होप आपने बनाई होगी, अगर अभी तक नहीं बनाई है तो अभी दिवाली में कुछ दिन बाकी हैं, आप बना सकते हैं। और ये सारा सामान भी इसका कैंडल बनाने का जो है ना, वो आपको लोकल मार्केट में ही मिल जाता है।
उसके बाद में मैंने इसका डेकोर कर दिया है और इसमें काफ़ी टाइम लग गया है। सबसे पहले ये टू सीटर सोफ़ा आ जाता है, इसको मैंने डेकोरेट किया है इस तरीके से, सोफ़ा थ्रो और एक पिल्लो है यहाँ पर छोटा सा। यहाँ पर लगाया है मैंने पुराना ही अपना ये रनर, ये रेड कलर का है, थीम के साथ पे नहीं जा रहा है, लेकिन चूंकि वेदर चेंज हो रहा है तो मैंने सोचा चलो अभी तो लगा देती हूँ, कभी बजट बनेगा या मौका लगेगा तो इसको चेंज कर दूंगी। कर्टन मैंने ये सेम ही लगाए हैं जो मेरे पहले दूसरे वाले रूम में लगे हुए थे, ये पिंक कलर के, और आजकल काफ़ी लोग इसको लगा रहे हैं। ये मैंने लास्ट ईयर खरीदे थे और ये काफ़ी अच्छे कर्टन निकले हैं, ब्लैकआउट कर्टन है इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर लगाया है एक ये फुटमैट जो कि अगेन पिंक कलर में है, लगाया है जिसमें लाइट लगाई है, अच्छा लग रहा है। और ऊपर लगाई है मैंने ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये आर्टिफिशियल प्लांट है। यहाँ टेबल पर लगाया है मैंने एक दिया उर्ली या फिर इसको दिया स्टैंड बोल सकते हैं, इसको कैंडल स्टैंड बोल सकते हैं, जो आप बोलें वो। और ये मैंने खुद ही बनाया था, आप सबके साथ में इसका DIY भी शेयर किया था। और इसके अंदर जो कैंडल आपको दिख रही है ना, ये जेल वैक्स कैंडल हैं, ये मैंने आपके साथ में शेयर की थी। बाय द वे मैंने आपके साथ में ढेर सारी जेल वैक्स कैंडल शेयर की हैं, बिल्कुल नई तरीके की ये कैंडल्स थी और ये लगभग 8-10 दिन पहले मैंने शेयर की थी आप सबके साथ में, आई होप आपने चेक किया होगा। तो इस तरीके से आप भी घर पर बना सकते हैं। टेबल के ऊपर मैंने बिल्कुल ये पुराना ही रनर बिछाया है, ये काफ़ी पुराना रनर है मेरा, 3-4 साल पुराना है, तो ये लगाया है। यहाँ पर एक और कैंडल लगाई है जिसको मैं दिवाली पर सेम ऐसे ही लगाने वाली हूँ। और वैसे ये कैंडल जो है ये कम से कम 8-10 दिन चलती है, क्योंकि मैंने इसको पिछले 2 दिन से जला रही हूँ और ये सेम उतनी की उतनी ही है, तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलती है। यहाँ पर ये DIY फ्लावर वेस है जिसमें मैंने ये मॉन्स्टेरा लगाया हुआ है आर्टिफिशियल, और एक और है यहाँ पर एक आर्टिफिशियल प्लांट। यहाँ ऊपर के साइड में मैंने लगाया अन्वेषा का एक बहुत पुराना फोटोग्राफ, और इस तरीके से ये वाली वॉल जो है ना काफ़ी डैमेज हो रखी थी, इस रूम में मुझे वाइट वॉश कराना था, लेकिन इसके लिए मैंने कुछ और प्लान किया हुआ है जो उसमें टाइम लगेगा, इस करके मैंने इसमें अभी कुछ नहीं किया, लेकिन इसको छिपाना तो था, उसके लिए मैंने ये प्लेसमेंट, आपको याद है मॉन्स्टेरा लीफ वाले जो मैंने परचेस किए हुए थे, मैं खुद भी भूल गई कहाँ से परचेस किए थे मैंने ये। और ये देखिए इस तरीके से मैंने तीनों को लगाया है, एक खूबसूरत सा वॉल डेकोर बन करके तैयार हो गया, और मेरी वॉल भी काफ़ी हद तक ये छिप गई है। तो कैसा लग रहा है ये आइडिया मुझे बताइएगा। और ये सेम मैंने इसी तरीके का जो पीपल का पत्ता होता है ना, पीपल लीव्स आर्टिफिशियल, इसी तरीके का मैंने एक घर बन रहा है वहाँ पर देखा था, बहुत ही ज़्यादा क्लासी लग रहा था, उसी से आइडिया लेकर के, मेरे आसपास में बहुत सारे घर बन रहे ना, तो उसी से एक आइडिया लेकर के मैंने यहाँ पर ये लगाया है, जो कि अगेन ये भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने तो क्या किया है, दीवार के ऊपर पीपल के लीव्स बनवाए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं, कभी उधर जाना होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बेड को बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है मैंने इस तरीके से, यहाँ पर ये बेडशीट मैंने स्प्रेड की है जो आप सबके साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ बेडशीट हॉल में, बाय द वे नहीं चेक किया तो ज़रूर चेक कीजिएगा। ये सभी पुराने मेरे कुशन कवर हैं, कोई भी नया नहीं है, ये एक वेलवेट का कुशन कवर है, इस पर हैप्पी लिखा है, मेरे रूम की थीम के अकॉर्डिंग जा रहा है तो मैंने इसको लगाया है। और यहाँ पर फ्लेमिंगो वाले हैं, तो कुल मिलाकर के इस रूम का जो लुक है ना वो बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने इससे पहले ना कभी भी पिंक नहीं किया है इस रूम को, तो आपको बाहर से पूरा ओवरऑल लुक दिखा देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है मुझे। और अब भी इसके बाद में बारी है मेरे लिविंग एरिया को डेकोरेट करने की, आप मुझे बताइएगा आप इसको कितने नंबर देंगे 10 में से। तो ये है रूम का ओवरऑल लुक। डेकोरेट कर दिया है और डेकोरेट करने के बाद में खुशबू फैला दी है, रूम फ्रेशनर लगाने के बाद में ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ मैंने क्या क्या चेंजेस किए, मेरे लिविंग एरिया का ओवरऑल लुक मैं आपको बाद में दूंगी, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाती हूँ ये डाइनिंग टेबल जिसको मैंने डेकोरेट किया है सिंपल से तरीके से, वही येलो कलर के जो मेरे पास पहले से थे क्लोथ वगैरह और टेबल कवर वगैरह वो सब मैंने यूज़ किए हैं यहाँ पर। इस तरीके से दिवाली पर भी मैं सेम ऐसे ही डेकोरेशन करने वाली हूँ। तो यहाँ पर
इस तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ कैंडल होल्डर रखे हुए हैं जिसके अंदर हाथ की बनाई हुई खुशबूदार कैंडल जलाई हैं। जस्ट अभी जलाई हैं, थोड़ी देर के बाद में पूरे घर में इनसे खुशबू फैल जाएगी और बहुत ही ज़्यादा देखने में तो सुंदर लग ही रही है, जलाने के बाद में भी इसमें घर में पूरे में खुशबू आ जाएगी। और यहाँ पर ये मेरे पास एक सोफ़ा थ्रो था, काफ़ी पुराना, यहाँ पर मैंने ब्लू और येलो का थीम रखा है तो सोफ़े को मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया है। कुछ कुशन लगाए मैंने येलो, कुछ लगाए हैं ब्लू, वाइट कलर का इसके साथ में कॉम्बिनेशन के साथ में मैंने कवर लगाया है। नीचे के साइड में ब्लू कारपेट लगाई है जो मैंने लास्ट ईयर परचेज़ की थी और यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से है। नीचे रखी है अभी उर्ली जिसमें मैंने फ्लावर्स आर्टिफिशियल रखे हैं, दिवाली वाले दिन इसमें फ्रेश फ्लावर्स रख दूँगी। अभी ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। इसके अलावा जो मेरी कॉफ़ी टेबल है उसको मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया है। इसके ऊपर सिंपल सा मैंने रखा है, ब्लूटूथ स्पीकर है, एक उरली जो मैंने खुद बनाई थी आप सबके साथ में शेयर की थी, ये मैंने पहले रूम में रखी थी बट रूम में ना मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा था क्योंकि इसके अंदर कैंडल वगैरह जलती है, इस करके मैंने इसको बाहर रख दिया है। अच्छा, यहाँ पर ये दो आप पेंटिंग्स देख रहे होंगे, ये लिपन वॉल आर्ट है, ये काफ़ी पुरानी है तो दो मेरे पास ऑलरेडी थी, एक ये वाली मैंने अभी नई परचेज़ की थी तो इसको मैंने कॉर्नर पर लगा दिया है। बस कुछ सामान को इधर से उधर कर दिया है, कुछ नया ऐड किया है जिससे रूम का लुक बहुत अच्छा आ रहा है। ये मेरे टिशू के कर्टन हैं जो मैंने लास्ट ईयर परचेज़ किए थे, सेम वही लगाए हैं। दिवाली पर थोड़ा वाइब्रेंट कलर अच्छा लगता है इस करके मैंने ये वाले यूज़ किए हैं। ये एक वॉल आर्ट है जो कि मेटल का है, काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है और टेबल का लुक तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। वॉल आर्ट मुझे बहुत पसंद आया, इसमें काफ़ी सारे कलर्स में भी हैं अवेलेबल, तो मैंने लोकल स्टोर से ही लिया था ये, तो मुझे इतने कलरफुल वाले पसंद नहीं आए। दूसरी चीज़ ये गोल्डन कलर जो होता है काफ़ी सारी चीज़ों के साथ में जाता है, इस करके मैंने ये गोल्डन कलर का वॉल आर्ट लगाया है। बड़े दिनों से इच्छा थी, फाइनली मैंने ले लिया। और एक ये है DIY टेबल जो मैंने आप सबके साथ में शेयर की थी, इसके ऊपर ये आर्टिफिशियल प्लांट लगाया है जो कि सोफे के एक साइड में है। जिस वॉल पर वॉल क्लॉक लगी है उसी वॉल पर नीचे के साइड में मैंने ये गणपति जी का बहुत पुराना एक स्टैचू था वो मैंने लगा दिया है और ओवरऑल मेरे लिविंग एरिया का लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। डेकोरेट करने के बाद में ये बहुत सुंदर लग रहा है, बिल्कुल फेस्टिवल के लिए रेडी हो गया है। बिल्कुल सारी लाइट्स ऑफ करने के बाद में भी इसका जो लुक है ना वो काफ़ी वाइब्रेंट और काफ़ी खूबसूरत निकल कर के आ रहा है। आज का दोस्तों वीडियो इतना ही था, आज मैंने आप सबके साथ में दो मेकओवर शेयर किए। आपको कौन सा मेकओवर ज़्यादा अच्छा लगा या कौन सा एरिया आपको ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कल का वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी बैक टू बैक आप सबके साथ में ढेर सारे अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करने की जल्द से जल्द। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो कहीं पर कुछ भी पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।